हेलो फ्रेंड, अगर आप सपोज मैजिक नंबर का प्रोग्राम अगर सी एप्लीकेशन में आपको डिजाइन करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर सपोज आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैजिक नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ पे 1729 आपको क्या है, एक मैजिक नंबर है। कैसे मैजिक नंबर है, हमें क्या करना है, मैजिक नंबर यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा When the sum of all the given digit of a number, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 + 7 + 2 + 9 is equal to, अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर को एड करते हैं तो यहाँ पे आपको 19 नंबर एक यहाँ पे फाइंड आउट होगा। जैसे ये आपको जो यहाँ पे डिजिट यहाँ पे सम करते हैं तो आपको यहाँ पे 19 फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फाइंड आउट होता है तब आपको क्या करना है, तो द रिवर्स ऑफ द सम इज मल्टीप्लाइड, जो इसका रिवर्स है नंबर, जैसे 19 जो आपने नंबर यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इस पर्टिकुलर नंबर को आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जब इस पर्टिकुलर नंबर का अगर आप यहाँ पे रिवर्स अरेंज करेंगे तो 91 हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 91। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर बोथ नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना, 19 × यहाँ पे 91। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये डबल इक्वल हो जाता है 1729 के, ये पर्टिकुलर नंबर आपका क्या है, यहाँ पे मैजिक नंबर है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना है सी एप्लीकेशन में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैजिक नंबर की यहाँ पे मल्टीपल टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हेडर फाइल डिफाइन करना है। तो आपको लिखना हैश इंक्लूड, हम यहाँ पे हैश इंक्लूड अब stdio.h, यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करना है, मेन फंक्शन के इनसाइड आपको क्या करना है, रिटर्न यहाँ पे 0 पास कर देना है। इस तरीके से हमें यहाँ एक मेन फंक्शन डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे नम टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। अब इस पर्टिकुलर नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है, तो सम की वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 फिक्स कर लेंगे। और इस पर्टिकुलर नंबर का जो आपका यहाँ पे नंबर फाइंड आउट हो रहा है उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो रिवर्स के लिए हमने REV वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 0 यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई करना है। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज पास करना है। तो आपको क्या मैसेज पास करना होगा, एंटर द नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को इनपुट कर लेना है। तो सबसे फर्स्ट वर्क आपका क्या है, नंबर को इनपुट करना। तो आपको यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन अप्लाई करके आपको यहाँ पे एक नंबर पास कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक नंबर पास कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे स्कैनफ इसका ना फंक्शन थ्रू यहाँ पे एक मैसेज हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे इनपुट सपोज आपने ले लिया 1729, अब इस पर्टिकुलर नंबर को आपको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना। आपको ये भी ध्यान देना है लास्ट में इस पर्टिकुलर नंबर को कंपेयर करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर नंबर की कॉपी डिजाइन करनी है। तो हमने यहाँ पे इंट एक कॉपी टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने जो आपने नंबर पास किया था नंबर को हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले डिजिट का सम कैलकुलेट करना है, तो व्हाइल लूप अप्लाई करेंगे। अब व्हाइल लूप में आपको क्या डिफाइन करना है, कॉपी, जो आपने कॉपी डिम किया है इज ग्रेटर 0। अब इस पर्टिकुलर नंबर को सम करना है, तो आपको लिखना है सम सम प्लस इक्वल, ठीक है, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे सम प्लस इक्वल कॉपी मॉडुलस 10। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर का एक कॉपी का यहाँ पे मॉड का सम करना है ईच डिजिट का। तो जैसे सम करेंगे देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाय 10, इस तरीके से आपको यहाँ पे पास कर देना। तो आपका यहाँ पे ये सम फाइंड आउट हो जाएगा ईच डिजिट का। जब आपका सम फाइंड आउट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, 1 + यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, 9 + 2 + यहाँ पे 7 + 1। इस तरीके से आपको यहाँ पे 19 कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आपको 19 कैलकुलेट हो जाएगा देन आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को क्या करना है,
जैसे यहाँ पे ये कॉपी आपने यहाँ पे यूज कर लिया, अब इस कॉपी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई। अब जब जीरो हो गई, इसी सेम वेरिएबल को हम सेकेंड टाइम भी यूज कर लें, इस कॉपी वेरिएबल में हम कर रहे हैं जो आपका ये सम ऑफ डिजिट है इस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सम की यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर ले रहे हैं। जैसे सम को स्टोर कर ले, अब इस जो आपका कॉपी वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को फिर से हम रीयूज करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हमसे रिवर्स, इस पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपी इज ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब यहाँ एक्स्ट्रा वेरिएबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे रिव वेरिएबल लिया है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स यहाँ पे इंटू 10, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है रिवर्स का, रिवर्स इंटू 10 यहाँ पे प्लस यहाँ पे कॉपी मॉडुलस 10। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आप आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाय 10। इस तरीके से हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर का हमने यहाँ पे जो आपने सबसे पहले आपने क्या किया, एक नंबर पास किया, उस नंबर को यहाँ पे 1729 तो हमने कॉपी में यहाँ पे स्टोर कर लिया 1729। अब हमने क्या किया, कॉपी वेरिएबल का यूज करके वाइल लूप अप्लाई किया और वाइल लूप के अंदर हमने ईच डिजिट का सम कैलकुलेट किया। तो हमें यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे 19 फाइंड आउट हो गई। जैसे 19 फाइंड आउट हुई, हमने कॉपी में इक्वल टू सम किया तो यहाँ पे हमने 19 स्टोर कर, जैसे हमने 19 स्टोर किया तो इस पर्टिकुलर नंबर को कॉपी वेरिएबल का यूज करके हमने एक वाइल लूप अप्लाई किया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमें 91 फाइंड आउट हो गया। जब हमें 91 फाइंड आउट हो गया, देन हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन अप्लाई किया। अब इफ कंडीशन के थ्रू अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जो आपने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया था, सम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रिवर्स, हमने इन बोथ नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 19 into 91। अब इस तरीके से डबल इक्वल, अब आपका यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे सेफ रखा है। हमने इस ओरिजिनल नंबर को क्या किया, जो आपने यहाँ पे इनपुट लिया था उसको हमने सेफ यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे नंबर को इक्वल हो जाता है, अगर इस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल होता है देन हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक प्रिंट एफ मैसेज पास किया है। इस पर्टिकुलर मैसेज के थ्रू हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, मैजिक यहाँ पे नंबर, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक मैसेज पास कर देना। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ डिफाइन करना है प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई करना है और इस प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आपको लिखना है नॉट मैजिक नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको सी एप्लीकेशन में डिजाइन करना है। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो राइट क्लिक यहाँ पे रन कोड, जब रन कोड करेंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल विंडो में आपको सबसे पहले एक नंबर पास करना होगा। तो हम यहाँ पे 1729 एक नंबर पास कर, जैसे इस पर्टिकुलर नंबर को हम पास करेंगे देन आपके रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। पहले कैलकुलेट होगा, देन यहाँ पे कंपेयर होगा, आफ्टर दैट देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा कि मैजिक नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना है। तो आपके यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करना है तो 1729 जैसे हमने पास किया तो यहाँ पे देखिए मैजिक नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करना था, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर सपोज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।